वेलकम टू इंडियन गर्ल चैनल और मैं हूँ त्रिशा। मेरी आज की वीडियो है एक फेस पैक के बारे में। ये फेस पैक है पम्पकिन फेस पैक, मतलब कद्दू की फेस पैक। ये वेजिटेबल आपको इजीली आपके घर के किचन में या फिर फ्रिज में मिल जाएगा। इस फेस पैक को मैंने सिर्फ खुद ही नहीं, मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ट्राई करने के लिए बोला है। सब ने इसे ट्राई किया है और सबको ये फेस पैक बहुत पसंद आया। ये फेस पैक फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस फेस पैक को यूज करके आप ब्राइट, फेयर और स्मूथ स्किन पा सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ इस फेस पैक को कैसे बनाना है और कैसे अपने फेस पैक अप्लाई करना है। इस फेस पैक को बनाने के लिए चाहिए पम्पकिन, मतलब कद्दू। कद्दू को सबसे पहले बॉईल कर लेना है, फिर इसके पील्स को रिमूव कर लीजिए। मैं ऐसे बॉइल्ड कद्दू के 3 पीसेस को ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बना रही हूँ। अब एक एम्प्टी क्लीन कंटेनर चाहिए इस पेस्ट को स्टोर करने के लिए। बनाया हुआ पेस्ट को आप चाहे तो 6 to 7 डेज के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और इस पल्प को आप इन 7 डेज में जब चाहे पैक बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब पैक बनाने के लिए एक बोल ले लीजिए और इसमें 2 टीस्पून पम्पकिन पेस्ट लीजिए। इसमें ऐड करना है 2 टीस्पून रॉ मिल्क, अब 1/2 टीस्पून हनी। फिर ऐड करना है 2 टीस्पून लेमन जूस। सब चीजों को मिक्स कर लीजिए। सबसे पहले फेस को वॉश कर लीजिए, फिर एक टॉवल को गर्म पानी में भिगो के उस टॉवल से अपने फेस को अच्छे से पोंछ लीजिए। अब इस पम्पकिन फेस पैक को अपने फेस और नेक पर अप्लाई कीजिए। पम्पकिन एक बहुत ही बेनिफिशियल वेजिटेबल है हमारे स्किन के लिए। पम्पकिन में ऐसे फ्रूट एंजाइम्स है जो स्किन सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिस वजह से स्किन स्मूथ और क्लियर दिखता है। इसमें विटामिन सी है जो कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे साइंस ऑफ एजिंग कम होते हैं। इवन ये सन टैन और सन बर्न को भी लाइटन करता है। पम्पकिन में एंटीऑक्सीडेंट्स, रिटायनिक एसिड, बेटा कैरोटीन एंड विटामिन ए, सी, ई और मिनरल्स जैसे कि कॉपर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम है, जो स्किन को इम्प्रूव करता है। इस पैक में मैंने रॉ मिल्क भी ऐड किया है। रॉ मिल्क कम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है। मिल्क एक एक्सीलेंट स्किन क्लींजर है जो सन बर्न और सन टैन स्किन को रिपेयर करता है। रॉ मिल्क में बी विटामिन्स, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये स्किन को डीपली नरिश करता है और स्किन को दिन भर मॉइस्चराइज रखता है। मैंने इसमें हनी भी ऐड किया है। हनी में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है जो एक्ने कॉजिंग जर्म्स से फाइट करता है। हनी में एंटीऑक्सीडेंट्स है जो स्किन के एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। हनी में मॉइस्चराइजिंग और स्मूथनिंग प्रॉपर्टीज है जो स्किन कम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है और स्किन को ग्लोइंग करता है, और हनी स्किन पोर्स को क्लीन करता है।
लेमन में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और 6% साइट्रिक एसिड है जो स्किन टोन को लाइटन करने में हेल्प करता है। लेमन में विटामिन बी, फॉस्फोरस एंड कार्बोहाइड्रेट है जो स्किन के ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। पैक अप्लाई करने के बाद इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। फिर ठंडे पानी से फेस को वॉश करके पोंछ लीजिए। इस फेस पैक को रेगुलरली 7 days तक यूज करने से आप विजिबल डिफरेंस देख पाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो को आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं जरूर कोशिश करूंगी उन सवालों का आंसर करूं। मेरे लिए 24 hours ऑनलाइन रहना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए सारे सवालों का आंसर करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आई एम रियली सॉरी। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आगे से और भी अच्छे अच्छे वीडियोज देखने के लिए। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।